आपका स्वागत है। मैं पूजा जैन ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर का सौंपा ज्ञापन, विवादों में पड़ी जावल नगर पालिका, जड़ा तीसरा ताला, जगह जगह पर लगी गंदगी के ढेर, ग्रामीणों में रोष। अब समाचार विस्तार से, राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार तेपी खेड़ा में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर सिरोही में समस्त बालिकाओं ने राष्ट्रपति को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया, जिसमें मांग रखी कि इस केस की सुनवाई फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले एवं परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। अगर राजस्थान सरकार के ने इस बारे में ध्यान आकर्षित नहीं किया तो समस्त बालिकाएं सड़कों पर आकर खुलेआम सरकार को घोर विरोध करेगी, जिसका जिम्मेदार स्वयं सरकार एवं प्रशासन होगा। इस दौरान पूजा रावल, वर्षा भाटी, नितिक्या भाटी, शेफाली एवं मनीषा प्रजापत, सोनिया, जनक, मोनिका, मालविया व समस्त बालिकाएं उपस्थित थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। स्वागत है। विवादों में पड़ी जावल नगर पालिका, जड़ा तीसरा ताला। मोहन देशप्रेमी की रिपोर्ट के अनुसार जावल ग्राम पंचायत में क्रमोन्नत होकर बनी नगर पालिका इन दोनों शुरुआत से ही विवादों में पड़ी है। नगर पालिका बनने के बाद ग्राम विकास अधिकारी नारायण राणा ने कमरे पर ताला जड़ा था, उसके बाद पूरा चार्ज नहीं सौंपने पर अधिशासी अभियंता के कहने पर नगर पालिका कर्मचारी ने उस पर दूसरा ताला जड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर पालिका को पंचायत के रिकॉर्ड चार्ज नहीं सौंपने का कारण पुरानी पंचायतों में बहुत बड़े घोटाले व हेराफेरी की पूरी आशंका बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो रिकॉर्ड सौंपना चाहिए था वह सौंपा नहीं गया। करीब 8 महीने से हम सब चार्ज सौंपने को लेकर कई बार मांग की थी। पुराने चार्ज सौंपने को लेकर हम सब परेशान हैं, लेकिन कई सालों पहले ट्रांसफर होने के बाद तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ने पुराने रिकॉर्ड नहीं सौंपे। जगह जगह लगे गंदगी के ढेर, ग्रामीणों में रोष। वापसिंह गोयल की रिपोर्ट के अनुसार रेवदर के समीपवर्ती वासना गांव में पिछले कई महीनों से नहीं हो रहा है समस्या का समाधान। जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे व आम रस्ते के कचरे का ढेर लगे होने से ग्रामीणों में परेशानी हो रही है। वासना से रेवदर जाने का मार्ग बारिश के बाद बड़े बड़े गड्ढे की वजह से आने जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में करीब 7-8 वर्षों पहले सड़क रिपेयरिंग का हुआ था काम, उसके बाद आज दिन तक नहीं हुई है सड़क रिपेयरिंग। सुबह से शाम तक कई बार एक्सीडेंट होने का डर रहता है। प्रशासन तुरंत जिम्मेदारी ही से समस्या का समाधान कर राहत दे रहा है। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चंद समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।